हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने में वैसे तो बहुत मेहनत लगती है, उनको घिसने में और कद्दूकस करने में टाइम भी लगता है, तो आज बिना कद्दूकस किए हम बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 किलो गाजर को जो है धोकर छील लेंगे, इसके बाद इनको पीसेस में काटेंगे। कद्दूकस नहीं किया है। आप क्या करेंगे, एक कुकर लेंगे और कुकर में ये सारी गाजर जो हमने पीसेस में काटी है इनको डाल देंगे। इसके बाद इसमें 1 कप दूध डालेंगे और साथ में 1 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने से क्या, एक तो गाजर के हलवे का टेस्ट बढ़ जाएगा, ऊपर से बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। अब कुकर को बंद कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर 3-4 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिनको चॉप कर लिया है। 1 चम्मच घी में ड्राई फ्रूट्स को जो है हम रोस्ट करेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो वो ले सकते हैं। 3-4 यहाँ पर इलायची ली हैं, इनको क्रश कर लेंगे। अब कुकर में सीटी 3-4 आ चुकी हैं। गैस बंद करेंगे और गाजर को चेक करेंगे। हाथ से दबाने पर ये दब गई हैं, यानी कि गाजर एकदम सॉफ्ट हो गई है। या तो मैसर की हेल्प से या फिर चमचे की हेल्प से जो गाजर है इसको हम एकदम मैश कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने जो है मावे की जगह 1 कटोरी मलाई का यूज़ किया है। आप यकीन नहीं करेंगे फ्रेंड्स, जब ये गाजर का हलवा खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मावे वाला हलवा खाया हो। मलाई डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें चीनी डालेंगे अपने हिसाब से और इसको तब तक पकाना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी ठीक ना हो जाए। मुश्किल से 10-12 मिनट में ये ठीक हो गया था। ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करेंगे और साथ में जो इलायची का पाउडर हमने बनाया था वो भी ऐड करेंगे। 10 मिनट तक इसको कुक करेंगे और देखिए जो हमारा कुकर है वो एकदम क्लीन है, हलवा बिल्कुल भी नहीं लगा है। बन गया गाजर का हलवा। जब दिल करे तब बनाएं और फिर इसको खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।